बहुत दर्द हो रहा है। पूछो मत सिस्टर, साले ने हड्डियों का कचुंबर बना दिया। तुमने काम क्यों ऐसा किया कि वो तुम्हें सजा दे? सजा के बिना भी जिंदगी में मजा है सिस्टर, सजा के बाद ही तो इंसान के इरादे मजबूत होते हैं सिस्टर। अरे आप तो मदर हैं। मदर? अब आप ही बताइए, अगर हम नर्स को सिस्टर कह सकते हैं तो डॉक्टर को मदर क्यों नहीं कह सकते? अगर तुमने मुझे मदर कहा तो मैं तुम्हें अपना बेटा बना लूंगी। ऐसी गलती कभी मत करना। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ से बहुत जल्द भाग जाऊंगा। अपनी माँ को छोड़ के चले जाओगे? मदर, तुम और मेजर क्या एक ही स्कूल में पढ़ते थे? क्यों? वो साला जख्म पे जख्म देता है और तुम जख्म पे प्यार से मरहम लगाती हो। अगर मैं तुम दोनों से पहले मिला होता ना तो तुम दोनों की शादी करा देता। नहीं नहीं मदर, वो तुम्हारी जिंदगी को तो नर्क बना देता। वो तुमसे प्यार भी करता तो वो भी आर्मी स्टाइल में, कहता डार्लिंग आई लव यू। तुम बहुत प्यारी बातें करते हो। अब तुम सो जाओ, मैं कल सुबह तुम्हें देखने आऊंगी। कल सुबह? लेकिन मदर मैं तो आज रात को ही भाग जाऊंगा। तुम नहीं भाग पाओगे। लगी शर्त? लग गई। कितने की? जो तुम्हारी मर्जी। 1000 रुपए की? डन डन। मदर मेजर से कहना पहरे सख्त करवा ले वरना तुम हार जाओगी। तुम मेरी फिक्र मत करो क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेजर अपनी जान दे देगा लेकिन मुझे हारने नहीं देगा। ऐसी क्या बात है तुम दोनों में? अगर मैं तुम्हारी मदर हूँ तो मेजर तुम्हारा फादर है। तुम्हारे मेजर साहब से मेरी शादी हुए 18 साल हो गए हैं। सर, कैडेट वीरेन प्रताप अपने बिस्तर पर नहीं है। What? जी, मुझे लगता है कि वो राशन के ट्रक में छिपकर भाग गया। ढूंढ कर निकालो उसे। सर, वो ट्रक में नहीं है सर। देखता हूं कितनी दूर भागता है। गाड़ी में बैठो। क्रेडिट को आपने कहीं देखा है? नहीं। बार भी हमेशा की तरह तुझे ही फर्स्ट प्राइज मिलेगा। Yeah, I'm sure. जी नहीं, बिल्कुल नहीं। What do you mean? इस बार फर्स्ट आएगी मेरी सहेली निशा। निशा? बस।
निशा जल्दी कर, तेरा नाम अनाउंस हो गया है। कैसी लग रही हूँ मैं? सुपर्ब। चले अभी? हाँ हाँ चल जल्दी, इस बार जीत के दिखाऊंगी मैं। ओ रोमियो माय रोमियो, वेयर आर थाउ? निशा, see you. Excuse me. कहिए। आपने इसे यहाँ कहीं देखा है? कौन है ये गधा? ये गधा नहीं, घोड़ा है, बेलगाम घोड़ा। मेरे अस्तबल में भेज दीजिएगा, लगाम डालकर आपके पास पहुँचा दूंगी। ये कोई सिविलियन नहीं जिसके गले में पट्टा डालकर आप अपने घर के दरवाजे के बाहर बांध सकें। ये फौजी है, मेरा फौजी। इसे सजा देने का अधिकार सिर्फ मेरा है। मेजर साहब, अगर आपका ये घोड़ा आपको मिल जाए तो आप उसका क्या करेंगे? छड़ी का दूध याद दिला दो उसे। ये काम आप मुझ पे छोड़ दीजिए। See you. अरे क्या कर रही हो? मैं अंदर हूँ। और अंदर ही रहो। लेकिन मेरा दम घुट जाएगा। नहीं घुटा तो मैं तुम्हारा गला घोट दूंगी। लेकिन मेरा गुनाह क्या है? अभी बताती हूँ। गुनाह भी तुम्हारी समझ में आ गया होगा और सजा भी। दोबारा अगर मेरे सामने से भी गुजरे तो जान से मार दूंगी। मेम साहब, जब कोई मुझे चैलेंज करता है तो मेरी रगों का खून डबल रफ्तार से दौड़ने लगता है।
और मैं वो कर जाता हूँ जो ऊपर वाला भी करने से डरता है। मेरे चेहरे से अपनी नजरें ना हटाओ, अब तो इस चेहरे को रोज देखना पड़ेगा। बेमौत मारे जाओगे, तुम मेरे भाई को जानते नहीं हो। कौन है वो साला? तुमने मेरे भाई को साला कहा? साले को साला ही कहा जाता है मेम साहब। घर जाके अपने भाई से कह देना कि तुम्हारे लिए लड़का ना ढूंढे, मैं बहुत जल्द बारात लेकर आ रहा हूँ। गो टू हेल। तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया? बस मन नहीं हुआ। मन नहीं हुआ? या आज फिर कोई कैडेट तुम्हारी इज्जत से टकरा गया? प्रिया, जिसे तुम मेरी इज्जत समझती हो, मेरी इज्जत नहीं है, मेरे आदर्श, मेरे उसूल हैं। इंसानों के साथ जानवरों से सलूक करना कहाँ का आदर्श है? कैसा उसूल है जी? अगर एक बाप का फर्ज है कि वह अपने बेटों से प्यार करे, तो उसे यह भी अधिकार है कि गलती करने पर वो उन्हें सजा दे सके। लेकिन कैडेट वीरेंद्र प्रताप तुम्हारा बेटा नहीं है। है। फिर एक प्रताप ही नहीं, इस अकेडमी का हर कैडेट मेरा बेटा है और मैं उन्हें एक काबिल अफसर बनाकर ही रहूंगा। कैडेट वीरेंद्र प्रताप भी वही बनेगा जो मैं चाहता हूं, क्योंकि उसके अंदर मैं अपने बेटे को देखूं। क्यों गए? आगे बोलो। बोलते क्यों नहीं कि उसके अंदर तुम अपने मरे हुए बेटे को ढूंढ रहे हो? जब तुम्हें अपने बेटे से इतना प्यार था, तो उसे मरने क्यों दिया? डॉक्टर प्रिया कैसी हैं? आपकी बीवी का केस कॉम्प्लिकेटेड हो गया। हमारे पास एक ही रास्ता है, मां को बचाएं या बच्चे को। मेरी पत्नी को बचाओ डॉक्टर। सेव माय वाइफ। सोच लो, हम आपकी बीवी को तो बचा लेंगे, लेकिन वो फिर कभी मां नहीं बन सकेगी। यस, सेव माय वाइफ डॉक्टर, सेव माय वाइफ। कैप्टन, आपकी बीवी को बचाने में हम कामयाब हो गए। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। इट्स ओके डॉक्टर। यस, लड़का था ना? जी हाँ।